हाँ सर, हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। हाँ, जैसा कि हमने देखा था लास्ट पीरियड में, ठीक है, बुक रिव्यू बुक का जो लेसन हमने देखा था 2.5 का, वो हाफ हुआ था, हाफ अभी है, तो उसमें हम अभी उसको कंटिन्यू करेंगे। उसके पहले मैं थोड़ा सा उसको फिर से दोहराता हूँ जो हमने पढ़े थे। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। ओके, हाँ हेलो। इसमें हमने देखा था कि किस तरह से राइटर आर के नारायण इन्होंने बुक्स कौन सी स्वामी एंड फ्रेंड के बारे में इसमें बताया है, उसका ये होता है। तो उसमें ये दिया था कि उस बुक का जो कैरेक्टर था स्वामी, किस तरह से मिस्चीवस था यानी शरारती बच्चा, उसके बारे में उन्होंने पूरी तरीके से जानकारी दी है। और उसके बारे में उन्होंने अमूमन बच्चे जो करते 10 ईयर्स के या उस पीरियड के बच्चे जो है उनके बारे में उन्होंने पूरी जानकारी दी है। और ये जो स्टोरी है स्वामी एंड बुक्स, इट इज कब की है, ब्रिटिश रूल के समय की, यानी जब अंग्रेजों का शासन हमारे देश के ऊपर चल रहा था उस समय की ये कहानी है। तो उन्होंने सब बताया किस तरह से वो बच्चे खेलते कूदते थे और अभी के समय के बच्चों के कितने वो डिफरेंट थे या है, किस तरह से वो करते थे। तो ये सब हमने देखा था। उसकी जो ये थी, हम देख रहे थे बुक की सिग्निफिकेंस, बुक की विशेषता। ये बहुत ही अच्छी बुक है सबको पढ़ने के लिए, यहाँ पर दिया, और छोटे से लेकर बड़ों के लिए बहुत ही आसानी से समझने वाली बुक है। और इस बुक में हमने ये भी देखा था कि देर वेयर नो हैवी ग्रामर एंड टेक्निकल जार्गन, मीन्स भाषा का उपयोग जो है बहुत ही सरलता के साथ इसमें किया गया है। कोई हेवी लैंग्वेज या भारी भरकम शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया था। बड़ी आसानी से कोई भी, बड़े से लेकर बच्चा भी समझ सके, ऐसी ही ये बुक है। और इस बुक की विशेषता, इसमें जो लिटरेचर का जो वैल्यू है उसको बनाए रखा है। देयर दिस इज अ फुल ऑफ लिटरेरी स्किल्स एंड लिटरेरी वैल्यूज बुक, मीन्स टॉप टू बॉटम ये बुक है, छोटे से बड़ों के लिए आसानी से समझने वाली और लिटरेरी वैल्यू देने वाली है। तो अभी आगे का हम चालू करते हैं नेक्स्ट आज का, ठीक है। मैं फिर से एक पैरा से बैक जाके फिर से स्टार्ट करता हूँ। स्वामी एंड फ्रेंड्स इज रिटन इन सच सिंपल इंग्लिश, इट इज हार्ड टू इमेजिन दैट इट इज अ वर्क ऑफ सच अ लिटरेरी जीनियस लाइक आर के नारायण। अब ये जो बुक लिखी गई है बहुत ही आसानी से और सरल भाषा में लिखी गई बुक है। इसमें ये कोई भी समझ सकता है इसको, छोटे से लेकर बड़ा। और ये क्या है, किसका है, आर के नारायण का जादू ही है, ताकि उनकी लिखावट है ऐसी कि वो बहुत अच्छे तरीके से वो अपनी बात बुक के द्वारा यानी अपने यहाँ पर अपने विचार उन्होंने रखे आसान शब्दों में। द इंग्लिश यूज इन द बुक इज बोथ प्लेन सिंपल विदाउट एनी ट्रबलिंग वर्ड्स फॉर द किड्स, ऑल्सो द यूज ऑफ सिंपल एंड शॉर्ट सेंटेंस एड्स टू द सिंप्लिसिटी ऑफ द बुक। उन्होंने जो राइटर यूज वेरी सिंपल लैंग्वेज, सिंपल सेंटेंसेस एंड सिंपल वर्ड्स ऑल्सो, इस वजह से क्या हुआ कि जो है बुक इतनी एकदम समझने के लिए आसान हो गई। एवरीवन कैन अंडरस्टूड द बुक, देयर वेर नो ट्रबलिंग, मींस किसी को असुविधा नहीं हुई पढ़ने में समझने में। इस तरह से ये बुक है स्वामी एंड फ्रेंड्स, एंड सेंटेंस एड्स टू द सिंप्लिसिटी ऑफ द बुक। इसमें जो सेंटेंस ऐड किए गए हैं, द कंस्ट्रक्शन ऑफ द सेंटेंस और भाषा मीन्स लैंग्वेज इज वेरी सिंपल, सो इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टूड अंडरस्टैंड टू एवरी वन। नेक्स्ट पैरा यहां से देखो,
इट इज मेंशन इन द डिस्क्रिप्शन दैट द बुक इज अबाउट अ मिसीवस 10 ईयर ओल्ड इंडियन बॉय एंड सम पेरेंट्स मे बी कंसर्न अबाउट द इंफ्लुएंस दिस विल हैव ऑन देयर ऑलरेडी मिसीवस चिल्ड्रन मीन्स इन दिस बुक डिस्क्रिप्शन ऑफ इज अबाउट मिसीवस बॉय स्वामी किसके बारे में है स्वामी बॉय के बारे में हु इज वेरी मिसीवस यानी शरारती है तो बहुत सारे पेरेंट्स इसमें बहुत कंसर्न होंगे कंसर्न यानी थोड़े चिंतित होना क्यों चिंतित है कि अगर वो बोल रहे हैं कि ये जो बुक है इनसे इन्फ्लुएंस होंगे उनके बच्चे देयर ओन चाइल्ड वेयर विल बी इन्फ्लुएंस बाय दिस बुक एंड दे विल आल्सो बिकम मिसीवस मीन्स वो भी उनके बच्चे भी मिसीवस बन जाएंगे इसलिए वो चिंतित है बट द बुक इज एन सच that it is encompass the mischief of the kid in a view of the kid which is harmless and pure in his perspective magar ye bhi baat dhyan dene ki hai dekho isme ki ye jo book hai swami and friends this is encompass encompass yani ird gird ghumna aaju baju sa kiske swami ke aaju baju hi ghumti hai उसके बारे में उसके ही कैरेक्टर को ज्यादा कैरेक्टराइज या पिक्चराइज करती है तो इसमें कोई चिंता की ज्यादा बात नहीं है और यहाँ पर जैसे बच्चों के मिसशिप दिखाया है नॉटीनेस वही यहाँ पर दिखाया है तो इसमें और जैसे कि वो जो बच्चे शरारत करते हैं दैट इज हार्मलेस एंड प्योर इन हिज पर्सपेक्टिव उनके नजरिए से पर्सपेक्टिव यानी नजरिया देखने का नजरिया दृष्टिकोण तो उनके दृष्टिकोण से या बच्चों के दृष्टिकोण से उनके जो जितने भी शरारतें हैं वो सब प्योर है शुद्ध है कोई उसमें हार्म नहीं है कोई खतरा नहीं है तो इसलिए बाकी के पेरेंट्स को भी कोई चिंता करने की बात है नहीं नेक्स्ट आलो आल्सो एमिट्स ऑल द मिसशिप एंड नॉटीनेस वी एक्चुअली फाइंड दैट स्वामी इज अ लविंग एंड tender kid who is actually very sensitive ab isme ye dekhenge ki jo iske sath sath mein jo swami bachcha tha ya hai usme naughtiness hai mischievousness hai shararati hai bahut shararat karta hai uchhal kood karta hai to wo dekha jaye to wo bahut hi pyara hai actually find that swami is a loving and a tender kid who is actually very sensitive bahut hi sensitive hai yani bhavnashil जो जितना यानी शरारत करता है इसका मतलब वो खतरनाक होगा या उससे हमको खतरा होगा ऐसी कोई बात नहीं है तो वो क्या है बहुत ही सेंसिटिव है स्वामी इज अ वेरी सेंसिटिव बॉय ठीक है तो इस वजह से वो जितने भी शरारतें करता है वो किसी तरह से कोई किसी को खतरा पैदा करने वाले नहीं है इट इज ऑल्सो अ नोन फैक्ट दैट मिसीवस किड आर द मोस्ट सेंसिटिव और एक यहां से एक फैक्ट सामने निकल के आता है व्हाट इज अ फैक्ट इज द मिसीवस किड्स आर द मोस्ट सेंसिटिव एंड लविंग पीपल ऑफ ऑल जो ज्यादा मिसीवस रहते हैं शरारती रहते हैं वो तो सेंसिटिव तो रहते ही है मगर लोगों का ध्यान आकर्षित करने वाले लोगों का प्यार पाने वाले बहुत पाते हैं यानी लोग उनसे बहुत प्यार भी करते हैं ऐसा ये स्वामी बच्चा है And R.K. Narayan does a great job conveying that to all of us. और इस माध्यम से इस तरीके से राइटर R.K. Narayan हमको एक बहुत अच्छा ग्रेट जॉब कन्वे कर रहे हैं या मैसेज दे रहे हैं कि जो शरारती बच्चे हैं वह ना केवल शरारत करते हैं ताकि वो दूसरे का प्यार भी पाते हैं ऐसा नहीं कि शरारत करने वाले सभी बच्चे शरारती करते रहेंगे और इससे हमको खतरा होगा या किसी को हार्म होगा ऐसा कुछ नहीं है तो ये मैसेज देने में यहाँ पर राइटर R.K. Narayanan उन्होंने बखूबी भूमिका अदा की है अब नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं थोड़ा
देखिए, सो इन कंक्लूजन इट कैन बी सेड दैट द बुक इज अ गुड रीड फॉर चिल्ड्रन ऑफ ऑल एजेस हु मे जस्ट एंजॉय अ गुड रीड और हु मे वांट टू इम्प्रूव देयर इंग्लिश स्किल। देखिए, इसमें ये जो बुक है, आखिर में ये कहा जाएगा, कंक्लूजन यानी समाप्ति की ओर, समाप्ति में, अंत में यही कहेंगे, सो इन कंक्लूजन इट कैन बी सेड दैट, ये कहा जाएगा कि दिस बुक इज अ गुड रीड फॉर चिल्ड्रेन ऑफ ऑल एजेस, यानी जितने भी उम्र के बच्चे हैं, छोटे से लेकर बड़े भी बच्चे, न केवल बच्चे, तो जो एल्डर पीपल्स है, एल्डर लोग, उनके लिए भी ये बहुत अच्छी बुक साबित हो सकती है पढ़ने के लिए, एंजॉयमेंट के लिए। Who may just enjoy a good read, और वो एंजॉय कर सकते हैं इसके साथ में, एक अच्छा उनको आनंद आएगा, एंजॉय करेंगे और अच्छे वैल्यू भी प्राप्त करेंगे। Who may want to improve their English skill, और जो लोग अपने English skill को बढ़ाना चाहते हैं, इंग्लिश पढ़ने का, रीडिंग का, समझने का, देन अंडरस्टैंडिंग रीडिंग, ठीक है, तो इसमें वो बच्चे या लोग कोई भी, तो ये सब इससे उनको बहुत ही अच्छी ये बुक है, इस तरह से ये बताते हैं। कंक्लूजन में इतना ऐसा बताया कि फिर से मैं दोहरा रहा हूँ कि ये बुक बहुत ही छोटे से बड़े तक के सभी बच्चों के लिए बहुत ही अच्छी बुक है, एंजॉयबल पढ़ने के लिए भी और समझने के लिए। और खास करके बात ये कि जो इंग्लिश समझना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, इम्प्रूव करना चाहते हैं, उनके लिए। अबाउट द ऑथर, अभी देखिए ये लास्ट पैराग्राफ अबाउट द ऑथर के बारे में दिया है। द ऑथर ऑफ स्वामी एंड फ्रेंड, ऑथर यानी लेखक, जो बुक लिखते हैं ना उनके बारे में, तो लेखक अपने आर के नारायणन के बारे में है। द ऑथर ऑफ स्वामी एंड फ्रेंड is India's one of the greatest author of all time, R.K. Narayan. लेखक जो है, देखो, स्वामी एंड फ्रेंड के जो लेखक R.K. Narayan, ये हमेशा के यानी greatest लेखकों में इनकी गिनती होती है, ऐसे ये लेखक है। कौन? R.K. Narayan. इनका लिटरेचर, इनका लिखा हुआ साहित्य जो है इंग्लिश में, मोस्टली इंग्लिश में है, ये बहुत ही सराहा गया, पसंद किया गया। हमने पहले भी देखा था कि इनकी जो बुक थी फ्रेंड्स, स्वामी एंड फ्रेंड्स, एशिया कॉन्टिनेंट के बहुत सारे देशों में एज ए लिटरेचर बुक, जो लिटरेचर साहित्य की पढ़ाई करते हैं उन बच्चों के लिए रखी गई थी उनके पाठ्यक्रम में। तो इससे ही पता चलता है कि ये किस लेवल के अपने लेखक होंगे या इनका लेवल कितना होगा, राइट। आगे, R.K. Narayan is responsible for many of the outstanding literary work India has ever produced. देखो, R.K. Narayan is responsible यानी जिम्मेदार या जवाबदारी वाला, तो इनकी एक जिम्मेदार लेखक है, इनको वो जाता है श्रेय, outstanding literary work, बहुत ही उल्लेखनीय, सराहनीय literary work यानी साहित्यिक रचनाएं, साहित्य में काम, इंडिया हैज एवर प्रोड्यूस, जितना भी इंडिया में प्रोड्यूस हुआ था या हो रहा है, जो हुआ है लिटरेचर, इवन इन इंग्लिश, हिंदी एंड अदर लैंग्वेज, तो ये इनका एक इंग्लिश के क्षेत्र में या इस लिटरेचर के क्षेत्र में इनका बहुत ही उल्लेखनीय और सराहनीय काम है, जितने भी इंडिया में जैसा लिटरेचर होता है उसमें, तो इनको अनदेखा नहीं किया जा सकता इन आवर कंट्री, नॉट ओनली इन आवर कंट्री, ना केवल हमारे देश में बल्कि पूरे विश्व में भी इनको पढ़ाया जाता है। एंड दिस बुक इन पर्टिकुलर कैप्चर द एसेंस ऑफ इंडिया अंडर ब्रिटिश रूलिंग एंड द माइंड एंड लाइफ ऑफ अ टिपिकल टीनेज किड। अब देखा जाए तो इस तरह से ये जो है बुक स्वामी एंड किड्स, तो ये बताया गया है कि किस तरह से लिखी गई है, जिस तरह से इन्होंने ये बुक लिखा, तो ये एक एसेंस, एसेंस का मतलब होता है स्पिरिट यानी आत्मा, ना। एंड दिस बुक इन पर्टिकुलर कैप्चर ऑफ द एसेंस ऑफ इंडियन अंडर ब्रिटिश रूल, और इसमें हमको इस बुक के अंदर में
उस समय के ब्रिटिश रूल का ये भी दिखाई देता है, टच दिखाई देता है, या ब्रिटिश रूल के समय में किस तरह से हमारा देश रहा होगा, किस तरह से हमारे देश की यानी सोसाइटी रही होगी, उस समय के बच्चे कैसे रहे होंगे, किस तरह से वो खेलते कूदते जो भी है उनका काम करते होंगे, या हमारा पूरा समाज किस तरह से रहा होगा, ये भी इस बुक से यानी उन्होंने पिक्चर ही कैप्चर कर दिया है, पूरा चित्र दिखा दिया है बुक के माध्यम से। तो ये एक उसकी आत्मा बन गई, रूलिंग एंड द माइंड एंड द लाइफ ऑफ टिपिकल टीनेज किड। इस तरह से यही एक उस बुक की आत्मा है कि उस समय के यानी कौन से ब्रिटिश रूल के समय में जब हम थे तो हमारा देश कैसा रहा होगा, उस समय के बच्चे कैसे रहे होंगे, ये सब चीजें यहाँ पर लेखक ने बहुत ही अच्छे तरीके से चित्रित किया है, यानी पिक्चराइज किया है, लिखा है। तो इससे हमको पूरा वो चित्र जो है वो सब समझ में आता है। नेक्स्ट आगे, अदर ग्रेट वर्क बाय आर के नारायण इंक्लूड। अब देखो आर के नारायण द्वारा और कौन कौन सा वर्क किया गया, कौन कौन सी बुकें लिखी गई, कौन कौन सा काम किया गया लिटरेचर के इन लिटरेचर फील्ड में, तो वो देखेंगे। पहला है मालगुडी डेज। मालगुडी डेज एक इसके ऊपर एक सीरियल भी था बहुत अच्छा, मालगुडी डेज आपने देखा होगा टीवी में, अगर आप अभी भी यूट्यूब वगैरह में अगर शेयर करो तो उसके ऊपर मालगुडी डेज के एपिसोड आपको मिलेंगे। एक उनकी बुक थी मालगुडी डेज, बहुत अच्छी बुक है। द गाइड, द पेंटर ऑफ सीइंग साइन एंड मेनी मोर लिटररी वर्क। और इससे भी बहुत अलग अलग प्रकार के उन्होंने बहुत सारे साहित्यिक रचनाएं की है, सच एज द रामायण, अ शॉर्ट एंड मॉडर्न प्रोज। रामायण जो है हमारे एपिक रामायण एंड वर्जन ऑफ द इंडियन एपिक एंड द महाभारत, अ शॉर्ट एंड मॉडर्न प्रोज वर्जन ऑफ द इंडियन एपिक। इन्होंने इनके ऊपर भी काम किया है, वर्जन यानी आवृत्ति, हाँ इपिक यानी महाकाव्य, इनके बारे में भी उन्होंने प्रोज के माध्यम से लिखा है। महाभारत के बारे में शॉर्ट एंड मॉडर्न प्रोज, मॉडर्न का मतलब आधुनिक, वर्जन ऑफ द इंडियन इपिक, इपिक यानी महाकाव्य। गो टेक लुक एट देम इफ यू आर इंटरेस्टेड। और जाइए बुक लीजिए और पढ़िए, आपको If you are interested, अगर आप interested है तो ठीक है। इस तरह से हमने ये देख लिया कि किस तरह से ये बुक हमको बहुत ही अच्छे तरीके से गुड रीड थी, पढ़ने के लिए अच्छे थे, छोटे से लेकर बड़ों तक के, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज यूज बाय द ऑथर एंड सिंपल सेंटेंसेस एंड देर इज नो हैवी ग्रामर, हैवी सेंटेंस, हाँ टेक्निकल जार्गन जो शब्द आया है ऐसे शब्दों का इस्तेमाल ना करते हुए राइटर ने पूरा पिक्चराइज किया है The Under British Rule India Society's Kid, means kid जो बच्चे हैं उनका उन्होंने पूरा यहाँ पर चित्र वर्णन किया है। तो इस तरह से ये अपना जो ये लेसन है यहाँ पर समाप्त होता है, ठीक है। तो इसके बारे में मैं देखो यहाँ पर दिख रहा है अपने को इंग्लिश वर्कशॉप, ठीक है। इसके साथ साथ में थोड़ा सा मैं ये भी बताओ किस तरह से यहाँ हम बुक रिव्यू करेंगे उसके बारे में मैंने थोड़ा सा एक पीपीटी तैयार किया है, फिर से मैं शेयर करूंगा। रेफर टू द स्टोरी, इंग्लिश वर्कशॉप में चलिए, रेफर टू द स्टोरी द बुक द बॉय हु ब्रोक द बैंक, लेसन नंबर 2.2 बाय रस्किन बॉन्ड, रीड इट केयरफुली एंड राइट अ रिव्यू ऑफ द सेम कीपिंग द फॉलोइंग पॉइंट्स इन माइंड। अब यहाँ पर इस बुक का हमको लेसन का रिव्यू करने के लिए कहा गया है इस क्वेश्चन में, जिस तरह से यहाँ पर स्वामी एंड फ्रेंड का रिव्यू किया गया था। आई हैड ट्राइड सम आपके लिए कुछ अच्छा करने का, मैंने ट्राई किया है। देखो जैसा नेम ऑफ द स्टोरी दिया है, ऑथर कौन सा लेसन के ऊपर करने का है, लेसन नंबर 2.2 द बॉय हु ब्रोक द बैंक, इसके बारे में मैं फिर से दूसरा एक पीपीटी यहाँ पर शेयर करूंगा, ठीक है। लेसन के बारे में उसका रिव्यू करेंगे हम, और किस तरह से रिव्यू करते हैं उसके बारे में थोड़ा सा मैं जानकारी दे देता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट पीपीटी देखते हैं। हाँ
दिखाई दे रहा होगा, रिव्यू ऑफ द स्टोरी द बॉय हु ब्रोक द बैंक। हम इसका रिव्यू करेंगे अभी वो क्वेश्चन वर्कशॉप में, जैसा यहाँ पर स्वामी बुक का रिव्यू किया गया था, ठीक है। तो उस तरह से हम ये जो लेसन है हमारे इसमें 2.2 द बॉय हु ब्रोक द बैंक, इस लेसन का हम रिव्यू करेंगे। ओके, लेसन का पहले तो हम लिख दिया रिव्यू ऑफ द स्टोरी द बॉय हु ब्रोक द बैंक। सेकेंड, अब इसमें देखो वहां पर क्वेश्चन में दिया था कि कौन कौन क्या क्या आया था, नेम ऑफ द स्टोरी एंड राइटर, ऑथर, टाइप ऑफ स्टोरी, बैकग्राउंड एंड सेटिंग, टाइम एंड प्लेसेस, मेन कैरेक्टर्स, प्रॉब्लम फेस, लैंग्वेज यूज्ड, व्हाट यू लाइक अबाउट द स्टोरी। इन दिस क्वेश्चंस विल बी यहाँ पर आने चाहिए, किसमें ये इन प्रश्नों के उत्तर हम लिखते जाएंगे तो हमारा रिव्यू बुक का हो जाएगा। तो जैसे अब अगर हम करने जाते हैं 2.2 लेसन का, तो देखो द स्टोरी द बॉय हु ब्रोक द बैंक इज अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड इंफॉर्मेटिव स्टोरी रिटन बाय रस्किन बॉन्ड द राइटर। देखो राइटर भी आ गया यहाँ पर, स्टोरी का नाम भी आ गया और किस तरह का है वो भी आ गया। इट इज अ रियलिस्टिक सोशल स्टोरी फुल ऑफ वीट एंड ह्यूमर। यहाँ पर ये जो लेसन है द बॉय हु ब्रोक द बैंक किसके द्वारा लिखित है, रस्किन बॉन्ड, द राइटर ऑफ दिस स्टोरी इज रस्किन बॉन्ड एंड इट इज अ रियलिस्टिक सोशल स्टोरी। ये रियलिस्टिक स्टोरी है, सोशल स्टोरी है, स्टोरी फुल ऑफ वीट एंड ह्यूमर। वीट एंड ह्यूमर का मतलब बहुत ही मजेदार हंसी मजाक वाली, जैसे कि अकबर बिरबल की हम स्टोरीज पढ़ते हैं, व्हेन वी रीड अकबर एंड बिरबल्स वी बिकम वेरी ह्यूमर एंड बहुत ही लाफ्टर। इस तरह से ये भी जो स्टोरी है ये बहुत ही हंसी मजाक से भरी हुई स्टोरी है, ठीक है। यहाँ तक क्या आया होगा, देखो स्टोरी का नाम भी यहाँ पर आ गया, राइटर का नाम भी आ गया और स्टोरी किस तरह की है यहाँ पर एक लाइन में यहाँ पर इतना ये आ गया। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। अब इस स्टोरी के मेन कैरेक्टर कौन कौन से हैं, इसका बैकग्राउंड क्या रहेगा वो भी देखेंगे। तो इसके मेन कैरेक्टर यानी वहां पर जो जो नाम आए हैं वो कैरेक्टर, जितने भी नाम आएंगे उनको कैरेक्टर कहेंगे। द मेन कैरेक्टर इन द स्टोरी आर नाथू द स्वीपर, सीताराम द वॉशरमैन सन, मिस्टर श्रीवास्तव, मिस्टर एंड मिसेस भूषण, कमल किशोर, दीपचंद, गणपत जो कि बेगर है, बेगर यानी भिखारी, एंड सेठ गोविंद राम। ये यहाँ के कैरेक्टर है, कैरेक्टर यानी पात्र है। कौन कौन है, फिर से नाथू है जो स्वीपर यानी झाड़ू मारने वाला है, सीताराम वॉशरमैन है यानी जो कपड़े धोते हैं, मिसेस श्रीवास्तव, मिस्टर एंड मिसेस भूषण, कमल किशोर ये फोटोशॉप का मालिक है, दुकान जो होती है बाजार में मार्केट में फोटो स्टूडियो, दीपचंद ये बार्बर है, बार्बर यानी नाई, गणपत ये बेगर है एक यानी जो भीख मांगते हैं उनको बेगर कहते हैं, देन एंड सेठ गोविंद राम द ओनर ऑफ बैंक, जो बैंक होती है उसके ओनर, वहां पर एक नाम आएगा बैंक का, टिम्पल नगर बैंक, टिम्पल नगर वो उसका ओनर है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, द स्टोरी इज अबाउट, ये जो स्टोरी है द बॉय हु ब्रोक द बैंक, द स्टोरी इज अबाउट द पिंपल नगर बैंक ओन बाय सेठ गोविंद राम एंड द पीपल ऑफ पिंपल नगर। इट बिगिंस एट द स्टेप ऑफ द बैंक व्हेन नाथू वाज स्वीपिंग द स्टेप। इसमें ये जो स्टोरी है पीपल नगर बैंक के बारे में है, पीपल नगर एक गांव है और वहां एक बैंक रहती है, उस बैंक का नाम ही रहता है पीपल नगर बैंक और उसका मालिक है सेठ गोविंद राम। Who is the owner of the bank? Said Govind Ram is the owner of bank. It begin at the step of the bank when Nathu was sweeping the step. और कहानी की शुरुआत ही कहाँ से होती है? Step of the bank. Bank के step से, यानी सीढ़ियों से। जब ये Nathu झाड़ू मारने वाला वहां पर साफ सफाई करते रहता है, वहां से इसकी शुरुआत होती है इस स्टोरी की, ठीक है। आपने एक पढ़ा भी होगा लेसन, तो किस तरह से वो नाथू बड़बड़ाता रहता है और लोगों के ऊपर झल्लाता रहता है, साफ करता रहता है और उसी समय ये कहानी चालू होती है। आगे देखते हैं,
अब ये जो नाथू है झाड़ू वाला, बैंक में काम करने वाला, झाड़ू मारने वाला, तो ये नाथू हैड नॉट रिसीव हिज पे फॉर द मंथ, और इसको, नाथू को इसका पगार नहीं मिलता, फिर भी वो काम करते रहता है वहां पर और चिल्लाते रहता है कि लोग आते जाते रहते हैं, बार बार साफ करता हूँ ये वो, ऐसा बड़बड़ाते रहता है, और उसको पगार भी नहीं मिलती है। ही टोल्ड टू सितारा, अब ये बात वहां उसका जो दोस्त बन जाता है ये सितारा, जो वॉशरमैन बॉय रहता है यानी कपड़े धोने वाले का लड़का, तो ये वहां से गुजरते रहता है सीताराम, तो सीताराम सुन लेता है, उसके साथ में बातचीत होती है, और सीताराम को ये नातू बोलता है कि आज अभी तक के मेरा पगार भी नहीं दिया है बैंक वालों ने, फिर भी मैं यहाँ काम कर रहा हूँ, हो सके तो मैं छोड़ दूंगा। ही टोल्ड टू सीताराम एंड सीताराम टोल्ड नाथू स्टोरी टू मिसेस श्रीवास्तव, और इस तरह से वो क्या होता है, ये नाथू अपनी बात सीताराम को बताता है कि किस तरह से वो इंटरेस्टेड, ही इज नॉट इंटरेस्टेड इंटरेस्टेड टू वर्क एट बैंक, बैंक इवन इवन नॉट पेड हिज सैलरी दिस मंथ, इस तरह से वो बातें बताता है। तो इस सीताराम भी क्या होता है, उसकी बात जो घर घर में कपड़े देने जाता है, तो वो अपनी इसकी बात जो है अपने पास रखता, तो इसके बजाय क्या करता है, जिसके घर में जाता है कपड़े देने उसको ही बताते जाता है। इस तरह से सीताराम टोल्ड नाथू स्टोरी टू मिसेस श्रीवास्तव हु आल्सो नीडेड स्वीपर, इस तरह से ये बात पहुंच जाती है मिसेस श्रीवास्तव के घर, कौन बताता है, सीताराम, और उसको भी यानी मिसेस श्रीवास्तव को भी एक स्वीपर की जरूरत रहती है घर में साफ सफाई करने वाले की, तो ये सीताराम बता देता है कि भाई एक है काम करने वाला जो बैंक में अभी काम कर रहा है, मगर वो कुछ दिनों में छोड़ देगा, तो आपको अगर जरूरत है तो आप बोलो, और वो ये भी बता देता है अपने तरफ से कि बैंक ने आज तक के उसको अभी पगार भी नहीं दिया है, इस वजह से वो वहां पर छोड़ना चाहता है। ठीक है, यहाँ तक कि ये हम रिव्यू कर रहे हैं इस लेसन का, इसलिए समझ में ऐसा आएगा, ठीक है, पूरा नहीं लिया है। सी मेट टू हर फ्रेंड, अब ये बात पहुंची श्रीवास्तव के घर, अब आगे की इसमें स्लाइड में दिया है, मैंने कोशिश की है कि थोड़ा थोड़ा ही कर लूं, तो स्लाइड में ये आगे देखो कि ये बात अभी श्रीवास्तव से अभी किसको जाएगी, उसकी जो फ्रेंड रहती है, सी मेट टू हर फ्रेंड, सी मीन्स मिसेस श्रीवास्तव, अपने फ्रेंड को मिलती है जिनका नाम है भूषण, एंड टोल्ड दैट द बैंक इज नॉट एबल टू पे द पुअर स्वीपर सैलरी। अब देखो बात कहां से कहां पहुंची, नातू ने बताया सीताराम को, सीताराम ने बताया श्रीवास्तव को, मिसेस श्रीवास्तव को, मिसेस श्रीवास्तव ने बताया मिसेस भूषण को जो मिसेस श्रीवास्तव की फ्रेंड है। अब इन्होंने ये सीधा सीधा बता दिया कि बैंक अपने जो स्वीपर है या जो एम्प्लॉयज है उनके पगार देने के लायक नहीं रही, ये सीधी बात उन्होंने बता दिया, द बैंक इज नॉट एबल टू पे द पुअर स्वीपर सैलरी, देन टू मिस्टर भूषण, देन टू दीपचंद एल्डरली बार्बर, देन इस तरह से ये बात कहाँ से कहाँ पहुंची, ये पहुंची श्रीवास्तव से मिसेस श्रीवास्तव से मिसेस भूषण के पास, मिसेस भूषण ने अपने हस्बैंड मिस्टर भूषण को बताया, फिर मिस्टर भूषण गए कहाँ पर, सैलून में जो दीपचंद चलाते थे, दीपचंद इज बार्बर, वे नाई, बार्बर यानी नाई जो बाल बनाते हैं, तो इस तरह से भूषण, मिस्टर भूषण ने दीपचंद के पास बताया, और फिर ये बात इस तरह से धीरे धीरे फैलते गई कि बैंक जो है ये अपने जो एम्प्लॉयज है या काम करने वाले वर्कर्स है उनका पगार भी नहीं दे पा रही है, इस तरह से ये एक रूमर बन गई, रूमर यानी अफवाह, इस तरह से एक से लेकर दूसरे तक के, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे कर करके ये जो बात धीरे 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 फैलते जा रही है और ये एकदम बहुत विकराल रूप ले रही है। आगे का इसमें देखते हैं, द न्यूज टुक डिफरेंट टर्न, अब ये कौन सी न्यूज, ये जो न्यूज है कि बैंक डिड नॉट पे द सैलरी ऑफ हिज एम्प्लॉयज,
इट्स एम्प्लॉयज, उसके जो अपने एम्प्लॉयज है, वर्कर्स है, उनके एम्प्लॉय नॉट एबल टू पे सैलरी, ये जो बात है, तो ये अलग अलग मोड लेते जा रही है, यानी ये अफवाह बन गई अभी. एंड ट्विस्ट एंड रीच पीपल दैट द पिंपल नगर बैंक हैज गॉन बैंकक्रप्ट, यानी इस तरह से पूरे बाजार में, पूरे पिंपल नगर में ये जो बात फैल गई कि पिंपल नगर की जो बैंक है, ये बैंक पूरी तरह से डूब गई है, बर्बाद हो गई है, ये अपने कर्मचारियों का भी पैसा नहीं दे पा रही है, लोगों का भी पैसा डुबा कर रख देगी, ये इस तरह से ये जो पीपल नगर की बैंक है, बैंक करप्ट हो गई. द रूमर, रूमर का मतलब अफवाह, द रूमर स्प्रेड ऑल ओवर द पीपल नगर, और ये जो रूमर थी, स्प्रेड ऑल ओवर, स्प्रेड का मतलब फैलना, ऑल ओवर द पीपल नगर, पूरे तरीके से पूरे शहर में, वो टाउन में, पीपल नगर में फैल गई कि बैंक पूरी तरीके से बैंक करप्ट हो गई, पूरी तरीके से बर्बाद हो गई, बैंक में कुछ बचा नहीं है, लोगों का पैसा डूब गया है. बात कहां से निकली थी? नाथू के सैलरी से, और पहुंची कहां? बैंक करप्ट तक, यानी पूरी तरह से बैंक बर्बाद हो गई यहां तक. सॉरी फॉर इंटरप्टेड. हेलो, इस तरह से हम ये देखेंगे. तो इस तरह से हमको ये भी सीख मिलती है कि यहाँ पर की जो बातें कुछ रहती है कि उसके ऊपर विश्वास ना किया जाए, जब तक कि हम समझ ना सके, देख ना ले तब तक के. ठीक है, आगे वाले से इसमें देखते स्लाइड. अब इसमें द ऑथर रस्किन बॉन्ड हैज डिस्क्राइब एंड कनेक्टेड एवरी इंसिडेंट इन सिंपल इजी लैंग्वेज. अब ये किस तरह से आएगा कि लैंग्वेज का किस तरह से उपयोग किया गया है, किस तरह से इस स्टोरी को लिखा गया है, इसके बारे में ये है. द ऑथर हैज डिस्क्राइब्ड एंड कनेक्टेड एवरी इंसिडेंट इन सिंपल इजी लैंग्वेज. यहाँ पर लेखक ने बहुत ही अच्छे तरीके से उसका डिस्क्राइब किया है, वर्णन किया है, और अच्छे तरीके से एक से दूसरे इंसिडेंट को, यानी जो घटनाक्रम कहेंगे, एक घटना को दूसरे घटना से बहुत ही अच्छे तरीके से जोड़ के रखा है या जोड़ा है. सिंपल एंड इजी लैंग्वेज यहाँ पर यूज किया गया है. द यूज ऑफ द लैंग्वेज इज वेरी सिंपल एंड वेरी इजी लैंग्वेज यूज बाय द ऑथर. ही हैज यूज सटायरिकल स्टाइल. सटायरिकल यानी तंज कसना. तंज का मतलब होता है कोई एक इसके ऊपर टिप्पणी जैसे करते हैं, टीका टिप्पणी जो करते हैं उसको बोलते हैं सटायरिकल. बहुत ही व्यंगात्मक तरीके से, व्यंग के तरीके से यहाँ पर लेखक ने समाज की जो घटनाएं हैं, एम्फेसिसिंग द इफेक्ट ऑफ, समाज के ऊपर प्रभाव डालने वाली जो घटनाएं, एम्फेसिसिंग यानी प्रभाव डालने वाली घटनाएं, इफेक्ट ऑफ रूमर्स, किस तरह से व्यंगात्मक तरीके से यहाँ पर लेखक ने बताया कि अफवाहें किस तरह से हमारे समाज के ऊपर या हमारे ऊपर प्रभाव डालती है, ये बताया है बहुत ही हंसी मजाक में. द बेगर रनिंग एट टॉप स्पीड, सॉरी यहाँ पर स्पीड लिखा है, वो लेटर है स्पीड, टी के जगह डी होना चाहिए. द बेगर रनिंग एट टॉप स्पीड इट मेक लॉबस्टर. और यहाँ पर जो गणपत कैरेक्टर आया था बेगर, ये भी बताता है, आपने पढ़ा भी होगा, तो ये बहुत ही एक मजेदार कैरेक्टर दिखाता है कि किसी ने उसको अभी तक की ये नहीं देखते कि वो एक ही जगह पर बैठा रहता है. सुबह शाम उसको एक व्यक्ति सुबह को छोड़ने आता है, शाम को लेके जाता है, किसी ने उसको चलते देखा नहीं था. मगर वो जो गणपत बेगर है, बेगर यानी भिखारी, तो ये सुनके कि बैंक अभी डूबने वाला है, बैंक डूब गया, बैंक का सब पैसा खत्म हो गया, ये सुनकर वो बैंक की तरफ बहुत ही टॉप स्पीड में भागता है कि अपने पैसे तो वो से तेज भागता है, जो उसे टेढ़े मेढ़े पाव करके चलते रहता है. आज तक कि उसको किसी ने नहीं देखा था कि वो चल भी सकता है करके,
मगर ये बात सुन के, ये अफवाह सुन के वो भी भागने लगता है बैंक की तरफ। तो इससे ये इट इज इट मेक लॉफ्टर, ये बहुत ही मजेदार सीन या बहुत हंसाने वाला सीन नजर आता है, दिखाई देता है। एक हो गया, अभी आगे। अब आई लाइक या डिसलाइक, इसमें देखते हैं कि हमको ये कहानी पसंद आई कि नहीं पसंद आई। हमको तो पसंद आई तो ये ऐसा ही लिखेंगे, आई लाइक द स्टोरी एंड टैक्टफुल नरेशन ऑफ द इंसिडेंट टू रेज द अवेयरनेस अमॉन्ग द पब्लिक अबाउट द रूमर्स एंड देयर इफेक्ट। ये कहानी मुझे पसंद आई, बहुत ही अच्छी कहानी थी। हाँ, ऐसा लिखने का है। हम अगर रिक्शा के दृष्टि से देखा जाए, पार्किंग के दृष्टि से देखा जाए इन सेंस, तो हमको क्या करना चाहिए, लाइक ही लिखना चाहिए, डिसलाइक का तो कभी नहीं आना चाहिए। हाँ, जैसे कि पर्सनल रिस्पॉन्स टाइप में, तो आई लाइक द स्टोरी एंड टैक्टफुल नरेशन, बहुत ही टैक्टफुल यानी कृति से एकदम इससे लिखा है उन्होंने, वो टेक्निक का यूज करके नरेशन, नरेशन यानी लिखावट लिखना, ऑफ द इंसिडेंट टू रेज, रेज यानी उठाना, मुद्दे उठाना, द अवेयरनेस अमॉन्ग द पब्लिक, अवेयरनेस का मतलब जागृति निर्माण करना, अमॉन्ग द पब्लिक अबाउट द रूमर्स एंड देयर इफेक्ट। यहाँ पर ये जो क्या पसंद आया, यहाँ पर जिस लेखक ने क्या किया, बहुत ही आसान तरीके से जो समाज में फैलने वाले रूमर्स है यानी अफवाह है, तो इसके बारे में ये मुद्दा उठाया है बहुत ही टैक्टफुल तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से, और लोगों में जागृति लाने की कोशिश की है। और किस तरह से रूमर्स का जो इफेक्ट है, जो अच्छा भी हो सकता है गलत भी हो सकता है, तो ये यहाँ पर उठाने की या बताने की कोशिश लेखक ने की है, राइटर किया है। अकॉर्डिंग टू मी इट इज अ गुड रीड ऑफ कॉमन मैन, इट गिव अ गुड मैसेज टू ऑल। और ये देखा जाए तो बहुत ही अच्छी पढ़ने लायक स्टोरी है, सामान्य मानव के लिए या समाज के लिए। सभी लोग ऐसी कहानियों को भी पढ़े ताकि हमको जो समाज में होने वाली रूमर्स है यानी अफवाह है, इनसे हमको समझ में आए कि क्या सही है क्या गलत है। ज्यादातर इससे ऐसी समाज में परिस्थितियां निर्माण होती है, हम देखते भी है आजू बाजू में, इस तरह से हमको इससे ये सीख मिलती है। तो इस तरह से मैंने ये यहाँ पर थोड़ी सी कोशिश की थी, आई हैव ट्राइड टू से समथिंग अबाउट हाउ टू रिव्यू द बुक। ठीक है, अपने ये यहाँ पर देख लिया होगा। फिर से बैक से हम आते हैं वही लेसन की तरफ, यहाँ पर देखेंगे कुछ और कुछ है क्या, शब्दों के मैं शब्दार्थ बता दूं। ठीक है, तो इस तरह से हो गया अभी। और क्वेश्चन आंसर लेते सर? हाँ ओके सर, चले। हाँ मैं एक बताना था, लास्ट टाइम एक लड़की ने पूछा था उनका फुल नेम, तो हाँ सर चलिए। हाँ क्वेश्चन आंसर की तरफ, तो उनका फुल नेम मैंने रखा है। हेलो, और यहाँ पर देख, निशु पूछो बेटा। आवाज नहीं आ रही निशु। हेलो, हाँ पूछो। हेलो, हाँ हेलो पूछो बेटा। मतलब सॉरी मुझे सुनाई नहीं दिया बेटा, फिर से बोलो। इनकम्पस का मतलब होता है इर्द गिर्द, आजू बाजू। हाँ अपने आजू बाजू बोलते हैं ना। हाँ सुदीप, सुदीप बोलो। सुदीप माइक चालू करो। सुदीप हाँ हेलो बोलो। हेलो बेटा, मंजू सिंह पूछो। सर फुल नाम बताइए ना चैप्टर का। फुल नाम, हाँ देखो ये राइटर का फुल नाम किसी ने पूछा था, राइटर का फुल नाम देखो आर के लक्ष्मण, इनको आर के लक्ष्मण भी था, तो ये राशिपुरम कृष्ण स्वामी अय्यर लक्ष्मण, यानी यहाँ पर राशिपुरम कृष्ण स्वामी नारायण ऐसा भी लिखते हैं। इनका पूरा नाम है राशिपुरम कृष्ण स्वामी अय्यर लक्ष्मण, इनको आर के लक्ष्मण के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, थैंक यू सर। ओके, और किसी को कुछ पूछना है?
सर अभी किसी ने हाथ नहीं उठाया है। हाँ समापन कर सकते हैं। हाँ अभी मुझे लगता है कि समझ में आया कि नहीं ये लेसन।